दोस्तों देश में जब भी किडनी समस्या की बात होती है तो अगर समाधान की बात करूं, अगर ये बात करूं कि मेरी किडनी ठीक किस तरह होगी, तो एक ही दिमाग में नाम आता है, वो है आचार्य मनीष या हिम। सर सबसे पहले एक बात के लिए आपका मैं धन्यवाद करूंगा, जो आपने किडनी केयर काढ़ा शनिवार को शुरू किया है, इसका क्या कारण हुआ कि आपको ये काढ़ा शुरू करना पड़ा और इसके पीछे क्या आपने रणनीति बनाई है कि किडनी पेशेंट को ये काढ़ा पिलाया जाएगा? देखो पूरे भारत में किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का क्रिटरेन बढ़ता है, लोगों को बोल दिया था आपकी किडनी फेल हो गई और आप डायलिसिस कराओ और फिर ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। इस तरह बंदे का पैसा भी लग जाता है, टाइम भी लग जाता है और डायलिसिस की चपेट में वो फंस जाता है, जबकि क्रिटरेन और यूरिया का बढ़ना किडनी फेल का खाली अकेला कारण नहीं है, और भी रीजन से क्रिटरेन बढ़ जाता है। कई लोग नॉनवेज खाते हैं, कई लोग आजकल मार्केट में कोई ना कोई प्रोटीन्स या कोई तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं तो भी क्रिटरेन यूरिया बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने ये विशेष जड़ी बूटियों से मिला, जैसे पीपल की छाल, मकोए, गोखरू, कासनी, गिलोए, पुनर्नवा और नीम छाल, इन सबको मिलाकर एक विशेष प्रकार का काढ़ा तैयार किया और हर क्लिनिक, हर हिम्स हॉस्पिटल पूरे भारत में जो फैले हुए हैं, हर शनिवार को ये काढ़ा सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक फ्री पिलाया जाएगा और इस काढ़े को पिलाया भी जाएगा और उनको एजुकेट भी किया जाएगा, ट्रेंड भी किया जाएगा किडनी क्या होती है, किडनी खराब क्यों होती है, किडनी क्या वापस रिजनरेट हो सकती है, रिपेयर हो सकती है, क्या ठीक होने की संभावना है, क्योंकि हमें ये बताया गया कि किडनी खराब हो गई तो ठीक नहीं हो सकती है। पूरा हिम्स आप देख रहे हो डेरा बस्ती और पीछे पेशेंट्स बैठे हैं, मैं दिखाना भी चाहूँगा, आप लोगों यही बोलते हैं किडनी ठीक नहीं हो सकती। सर एक पेशेंट थे यहाँ मौजूद, ये करनाल से ही आए हैं, मेरी भी कर्मभूमि करनाल ही है, तो सर ये पेशेंट आए हैं, ये बोल रहे हैं कि मैंने किडनी की मुझे समस्या हुई, मैंने ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद एक और समस्या इनको हो गई, उसका क्या कारण रहा कि इनको एक और समस्या उत्पन्न हुई? आप खुद बताओ आपको क्या हुआ था, फिर आपने क्या किया? मुझे लीवर और इंटेस्टाइन में गांठी हो गया था, तो जब मैंने चेकअप कराया जहाँ से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 40, मतलब आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा रखी है? हाँ जी हाँ जी। कितनी एज में कराई थी आपने? 2016 में हुआ था। आप कितने साल के थे उस टाइम? 26, 7 साल घटा दो 19 साल का। 19 साल के थे आप? हाँ जी। 19 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट करा लिया। हाँ जी। क्या ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपकी दिक्कतें कम हुई? नहीं। उसके बाद आपका कितना खर्चा महीने का चलता रहा? जैसे दवाइयों का रहता है 15-20 हज़ार महीने का। मतलब डायलिसिस का भी इतना ही रहता था लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी इतना खर्चा रहता ही था। अच्छा ट्रांसप्लांट के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट आए और क्या क्या दिक्कत आ गई आपको? ट्रांसप्लांट के बाद कभी जैसे पेट में दर्द हो जाना और शरीर में कभी कभी कमजोरी रहना, और अभी 6 महीने से तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहा था, हर 2 दिन बाद कभी लूज मोशन लग जाना, सिर दर्द होना, शरीर कमज़ोर हो जाता, फिर उसके बाद ठीक हो जाता। तो अभी वही डॉक्टर ने यही खुद अपने मुंह से बोला कि जो आपका लीवर और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हुए वो इन्हीं मेडिसिन के साइड इफेक्ट। मतलब खुद डॉक्टर ने बोला कि जो आपको किडनी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को एक्सेप्ट कराने के लिए जो दवाइयाँ चल रही थी उसी का साइड इफेक्ट हुआ। हाँ जी। तो अभी आपको क्या समस्या हो गई है? अभी मुझे लीवर और इंटेस्टाइन में गांठे, मतलब रस, मतलब लीवर में भी गांठे आ गई और छोटी आंत में भी गांठे आ गई। हाँ जी। इंटेस्टाइन में भी? हाँ जी। और आपके दिमाग में वो वहम भी आ गया होगा कि कैंसर ना हो गया हो। हाँ जी। अभी बायोप्सी कराई कि नहीं कराई? नहीं, नहीं। अच्छा हमारे हॉस्पिटल में आए कितने दिन हो गए? मुझे 12 दिन हो गया। 12 दिन में आपको खुद को क्या क्या फीलिंग आई है, क्या क्या फर्क पड़ा है? मुझे फीलिंग आई है, एक तो एनर्जी काफी, चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, और जैसे उस पेन रह रहा था लीवर और इंटेस्टाइन में, पेन कम हुआ है, पेन कम हुआ है, और जो यहाँ का डाइट है, लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है, उसमें रहते हुए बहुत माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो बहुत अच्छा। पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए?